नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय स्टडी क्लासेस। लास्ट में मैंने बताया था, जो लास्ट आपको मैंने वीडियो शेयर की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस आपको बताए थे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में बताया था, एक एग्जांपल ले लेते हैं, राम घर जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का साइड टेंस है। एक और ले लेते हैं, राम घर नहीं जाता है। एक और ले लेते हैं, क्या राम घर जाता है। तीन ये बता दिए मैंने, एक दो तीन। तो पहला सेंटेंस बनेगा आपका, राम जाता, जाने का होता है गोज टू होम। ये ई एस या एस जो लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं, इन वाक्यों के अंत में ता है ती है आदि शब्द आते हैं, उनमें एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। पहला सेंटेंस बताया, राम गोज टू होम। अब दूसरा आता है, राम घर नहीं जाता है। जो नहीं के सवाल आएंगे वो कैसे बना देंगे, राम Does not go to home। इसमें does आया है, तो जिन वाक्यों में नहीं आएगा, अगर वो he, she, it या किसी नाम से है, यानी कि सिंगल है, उसमें does का प्रयोग करेंगे। और अगर पुल्लिंग है, यानी कि बहुवचन है, मैं, हम, वे, तो उसमें डू का प्रयोग करेंगे। तो पहला क्या है, राम डज नॉट गो टू होम। तीसरा, क्या राम घर जाता है। तो यहां पर क्या पहले आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डज राम गो टू होम। ये तीन श्रेणी है हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, जिसमें तीन तरीके से सवाल पूछा गया था, तीनों तरीके से मैंने बता दिया है। पहले में एस या यस का प्रयोग करेंगे, दूसरे में डज और डू का प्रयोग करेंगे, तीसरे में भी डज और डू का ही प्रयोग करेंगे, अगर क्या से वो पूछा जाता है। ओके दोस्तों, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ा समझना है और बहुत इजीली हम इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, थैंक यू।